तीसरा लॉकडाउन शुरू होते ही प्रयागराज में भी शराब की दुकानों पर उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रयागराज के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के साथ एक भी तीमारदार का प्रवेश नहीं। वहीं शराब की दुकानों पर इस तरह की भीड़ चिंता का विषय है। प्रयागराज इस वैश्विक महामारी कोरोना से जहां एक तरफ देश की जनता और शासन प्रशासन बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन जैसे नियमों का पालन कर रही है, वहीं तीसरा लॉकडाउन शुरू होते ही शासन के आदेश के अनुरूप शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है और यह भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 से अधिक व्यक्ति दुकान के बाहर न रहें और सैनिटाइजर और मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की दुकानों पर जाएं। वहीं प्रयागराज के आलोपी बाग सहित जिले के अलग स्थानों पर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ प्रयागराज के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को दिखाने के लिए अस्पतालों के अंदर एक व्यक्ति से ज्यादा प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, वहीं शराब की दुकानों पर इस तरह से भीड़ का इकट्ठा होना चिंता का विषय है। जबकि मरीज की स्थिति चाहे कितनी भी नाजुक हो, परंतु अस्पताल के अंदर मरीज के अलावा कोई भी तीमारदार प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं शराब की दुकानों पर इस तरह भीड़ लगाकर शासन प्रशासन के आदेशों को अनदेखा करना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। शासन प्रशासन को इस तरह के कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई करते हुए नियम और कानून का पालन करवाना चाहिए। प्रतिपक्ष संवाद के लिए प्रयागराज से सनी कुमार केसरवानी की रिपोर्ट।